खरगोन पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर बयान देते हुए कहा कि पुलिस पर हमला किया और जिनका एनकाउंटर हुआ वो सही है, लेकिन जिनकी हत्या हुई वो गलत है। लेकिन जो समाज के लिए खतरा है, जो समाज को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये मानवता के लिए खतरा है। जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही होगी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको सजा मिलेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ के रिश्तेदार मर गए हैं, इनके सब माई बाप मर गए हैं, इनका यह वोट बैंक है, अब इन्हें तकलीफ हो रही है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया जा रहा था, तब एक भी कांग्रेसी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है वो सही है? नहीं नहीं, देखिए, मैं तो पुलिस पे हमला किया, जिनका एनकाउंटर हुआ वो सही है, हत्या किसी की भी हो गलत है, लेकिन जो समाज के लिए खतरा है, जो समाज को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, उनको इस देश में रहने का अधिकार है क्या? जो मानवता के लिए खतरा है, जिनने मारा उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको सजा मिलेगी, इसमें कोई भी। लेकिन कमलनाथ ने सवाल उठाया योगी सरकार की आलोचना की, देखो मैं कह रहा हूँ ना, कमलनाथ के रिश्तेदार मर गए, इनके सब माई बाप मर गए, इनका वोट बैंक तकलीफ हो रही है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। जब कश्मीर में हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को, तब कांग्रेस ने कहीं एक स्टेटमेंट दिया क्या नेताओं ने कि हमारे देश में हमारे देश के लोगों को मार मार के भगाया, तब इनको तकलीफ नहीं हुई, तब हम सड़कों पे आते थे। अब जब देशद्रोही, आतंकवादी, हत्यारे, गुंडे, बदमाश, उनका सफाया हो रहा तो इनको तकलीफ हो रही, तो समझ जाओ कि कांग्रेस किसके साथ है, गुंडों के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ, इनके साथ है कि देशभक्तों के साथ है। हमारे लिए पहले देश, समाज, फिर पार्टी और फिर मैं। इनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी, गांधी भी नकली, एक परिवार बस सब कुछ, उसके लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया, बताओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।